जब कजावे पर ऊंटनी पर वो कजावा रखा जाता है बैठने के लिए, चारों तरफ से बंद है, उसमें लेडीज बैठती थी, उसमें चढ़ने का नंबर आया। अल्लाहु अकबर, हजरत सफिया को अल्लाह ने किस्मत कैसी दी, मैं पढ़ के हैरान हूं। तो अल्लाह के नबी अली सलाम के बारे में आता है, जब इनका कजावे में बैठने का नंबर आया, औरत थी ये, एकदम से चढ़ के तो नहीं बैठ सकती, अल्लाह के नबी करीब आए और आप बैठे, और बैठने के बाद अपना घुटना खड़ा किया, घुटना और रान को सीधा किया, और फरमाया सफिया इस पर पैर रख करके ऊपर चढ़ जाओ। हजरत सफिया ने अल्लाह के नबी के कदम पे, घुटने पर अपना पैर रखा और फिर सवारी पर सवार हुई। आप मुझे बताइए, ये वाली मोहब्बत हमारे नबी ने बीवियों से करनी सिखाई है, ये है मोहब्बत। जनाबे वाला ये तो बहुत दूर की बात, अगर बेगम ना कार में बैठ रही है और शौहर ने आकर के दरवाजा खोल दिया कि आइए बैठ जाइए तशरीफ रखिए, वो जो सबसे खतरनाक मखलूक है घर में, अगर उसने देख लिया, कौन है वो खतरनाक मखलूक, सास, लड़के की अम्मा, अगर उसने देख लिया अपनी बीवी के लिए गेट खोल के खड़ा है और फिर बिठाया और गेट बंद किया, ये दोनों कार स्टार्ट करके गली से बाहर बाद में निकलेंगे, वो फोन अपनी बड़ी लड़की को पहले लगा देगी, तेरा भाई तो हो गया इस चुड़ैल का गुलाम, कर लिया इसने कब्जे में, दरवाजे खोल के खड़ा हो रहा, कभी अम्मा के लिए तो खोला नहीं इसने, बीवी के लिए दरवाजे खोल के खड़ा हो रहा, बीवी के लिए ये कर रहा, बीवी के लिए वो कर रहा है। अरे अल्लाह के नबी की सुन्नत है ये मुसलमानों, हमें खाली चाश, इशराक, कवाबीन, तहज्जुद नहीं अल्लाह के नबी ने दी, अखलाक भी हुजूर ने दिए। अपनी बीवियों से ऐसी मोहब्बत करने की आदत डालें, जो बंदा अपनी बीवी से जितनी ज्यादा मोहब्बत करेगा वो बंदा उतना ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार होगा, बीवी से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। क्यों? जिसे अपनी बीवी से लगाव होगा वो इधर उधर नहीं नजरें मारेगा, इधर उधर नहीं चक्कर में पड़ेगा, और जब वो इधर उधर किसी के चक्कर में नहीं पड़ रहा और एक ही की जानिब तवज्जो है, तो जाहिर सी बात है वो तकवे वाला नहीं कहलाएगा, उसमें तो आला दर्जे का तकवा मौजूद होगा। तो ये चीजें हमें और आप, मैं ये नहीं कह रहा कि अम्मा जान के लिए ना खोले, मां का मकाम तो बे इंतहा बुलंद है, बे इंतहा ऊंचा मकाम है, करें खिदमत मां की जितनी भी करनी है, लेकिन अपनी बीवियों से भी मोहब्बत की आदत डालें। भाई समझ में आ रहा है? और इन चीजों को इस अंदाज में नहीं लेना चाहिए कि ये तो गुलाम बन गया, कोई नहीं किसी का गुलाम बन रहा, ये मोहब्बत की बातें मेरे नबी ने सिखाई हैं। सहाबा के सामने आपने बिठाया उन्हें, सहाबा शुरू कर दी थी इस तरह की बातें, लेकिन नहीं, सहाबा ने तो उसे पैगाम समझा कि हां हुजूर हमें सिखा रहे हैं कि देखो मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए। और एक हमारा और आपका हाल है, ऐसा बना के रखते हैं, ऐसा बना के रखते हैं कि जी बस पूछो ही मत, क्या बुरा हाल ख्वातीन का बिचारी होगा, उनसे दो लफ्ज मोहब्बत के कहते हुए शर्म आती। मैं कभी कभी किसी का मोबाइल, जानने वाले जो हमारे दोस्त अहबाब है वो आते हैं ना, मैं कहता हूं जरा व्हाट्सएप पर अपनी बीवी का नंबर खोलो, सुनिएगा बड़ी मजे की बात बता रहा हूं, व्हाट्सएप पर अपनी बीवी का नंबर खोलो। खोल दिया उन्होंने, पढ़िया मैसेज, जितने लोगों के निकाह हुए हुए हैं बीवी के नंबर पे व्हाट्सएप पे बातें क्या हुई हुई है, 2 किलो आलू, 1 किलो प्याज, 3 डाइपर, 1 नमक की थैली,
एक किलो भिंडी, एक किलो टमाटर, ये बातें होती भाई, है या नहीं ऐसा? अपनी बीवियों से इजहार मोहब्बत करने का मिजाज ही खत्म हो गया। कम से कम इतना तो किया करें, घर से चले गए हैं, एक दिन हो गया है कहीं बाहर, लिख करके भेज दिया, बेगम आपकी बहुत याद आ रही है, आप खैरियत से हो, इतना जुमला लिख दो। कभी उसको लिख करके भेज दिया करो, आई लव यू, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, ये जुमला अपनी बीवी को कहो, सवाब मिलेगा। ये मैं वैसे ही नहीं बातें कह रहा, ये इबादत है। अपनी बीवी से इजहार मोहब्बत करना ये शरीयत का तकाजा है और इसे बाकायदा इबादत माना गया, ये कोई फर्जी चीज नहीं है। ऐरी गैरी से बड़ी जल्दी करे फिरते, एक रॉन्ग मैसेज भी आ जाए ना बिना वजह, किसी ने गलती से मैसेज कर दिया हमारे पास, वहां तो तैयार रहते हैं कि एकदम से फट से लिख के भेज दो आई लव यू, और बीवी को पूरी उसकी चैटिंग हिस्ट्री पर डालिए, अगर किसी के मोबाइल में नौजवान के मिल जाए कि बीवी को उसने लिखा है कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। ये हमारी और आपकी अजीब कैफियत है, इसका हमें और आपको ख्याल करना चाहिए, इन बातों की जानिब तवज्जो देनी चाहिए। आप यकीन मानिए, ये छोटा सा जुमला हमारे हजार झगड़ों की नजात का जरिया बन जाएगा। इतनी मोहब्बतें पैदा होंगी कि बंदा सोच नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने हजरत सफिया को अपनी रान पर खड़ा करके सवारी पे सवार कराया, कितना प्यारा अंदाज होगा, आप सोचें, इमेजिन करें वो नजारा, सोचे कितना खूबसूरत होगा। ऊंट नी खड़ी है, उस पे पर्दे वाला कजावा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दोनों जहानों के सरदार बैठे हुए हैं, अपना घुटना खड़ा करके अपनी बीवी को ऊंट पर सवार करा रहे हैं। ये है हमारे नबी के अखलाक, अखलाक हसन। ख्वातीन खुश हो रही होंगी कि आज हमारे मतलब की बात है। सभी की है भाई, औरत हो या मर्द हो, मसला है दीन का। हमें वो चीज समझनी है, वो चीज करनी है जो दीन तकाजा करता है, हमें अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं। ये अल्लाह के नबी की सीरत का खुलासा। बहरहाल अल्लाह के नबी अली सलाम का निकाह हुआ, आपने उन्हें सवारी पर सवार फरमाया और रवाना हुए।